वीआईटीवी ने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इंटरनेशनल लेवल का एक लर्निंग प्रोग्राम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में रखा है। इस इंटरनेशनल लेवल के लर्निंग प्रोग्राम में कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आने वाले हैं और कुछ भारत देश के भी बहुत सक्सेसफुल स्पीकर आने वाले हैं। करीबन 150 इंश्योरेंस एजेंट इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल मेगा माइंड शो, सवाल जवाब आमने सामने। इस प्रोग्राम में कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर एज ए गेस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड प्रश्न हमसे पूछने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में एक मेरे साथ में को एंकर भी है, जिनका नाम मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी जी से और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश चंद्र जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते नमस्ते। प्रकाश चंद्र जी, पिछले साल नेशनल मेगा माइंड शो को उन्होंने अटेंड किया था और इस साल भी नेशनल मेगा माइंड शो को प्रकाश चंद्र जी अटेंड करने वाले। प्रकाश चंद्र जी हमारे साथ में आज के इस प्रोग्राम में तीन गेस्ट जुड़े हैं, जो कि नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड हमसे प्रश्न करने वाले हैं। चलिए मैं उनको इनवाइट करता हूं। राइट सर, हमारे साथ में पूना से जुड़े हैं मिस्टर कल्याण काकड़े जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ में पूना से जुड़े हैं मिस्टर अंबादास ढागे। अंबादास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। नमस्ते। राजस्थान से, नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ में राजस्थान से, बने रहिए बने रहिए अंबादास जी, बने रहिए। हमारे साथ में राजस्थान से मिस्टर रमेश सिंह चौहान जुड़े हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल्याण जी, आपसे हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें सबसे पहले, और फिर नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड आपके मन में क्या प्रश्न आता है वो पूछिए। अंबादास जी, मैं आपको बुलाऊं। मैं कल्याण काकड़े पुणे से बिलोंग करता हूँ। मैं 19 साल से लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हूँ। मैं लास्ट ईयर MD/RD अचीव किया है। मेरा सवाल यह है कि नेशनल मेगा माइंड शो क्या होता है? देखिए सर, आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप भी पुणे से बिलोंग करता है, मतलब एक बड़ा शहर है। जब पहले बार वो आप MD/RD कर दिया, मतलब आप उसका बारे में अभी सोचना है, आपको क्या जरूरत है? इतना बड़ा शहर में रहता है, आपका पर्सनालिटी अच्छा है, आपका उत्साह बहुत अच्छा देख रहा है, फिर भी करने के लिए एक प्रोफेशनल टच चाहिए। उस हिसाब से मैं नेशनल मेगा माइंड शो पे आपको पूरा जानकारी, मतलब जो वो नया तरीके से क्लाइंट से आप कैसे मिल सकते हैं, उसका बारे में पूरा जानकारी मिलने का बहुत अच्छा एक अवकाश आपका पास है। देखिए कल्याण जी, थोड़ा सा एड ऑन मैं इसमें ये करता हूँ कि क्या होता है कि ऐसा कहते हैं, ये कहावत 100% सही है कि जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, आपको उस प्रकार की एनर्जी मिल जाती है और आप वही बन जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि कोई ऐसा माहौल मिले जहां पर बहुत कामयाब लोग एक माहौल में आए। तो नेशनल मेगा माइंड शो एक ऐसा माहौल है जहां पर बहुत कामयाब लोग एक जगह पर आने वाले हैं। तो हमने दो इंटरनेशनल स्पीकर को इस प्रोग्राम में बुलाया है और भारत देश के 6 स्पीकर्स रहेंगे, जो कि बहुत कामयाब लोग हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बोलने के लिए, कामयाब लोगों को बुलाया है। तो 8 कामयाब भारत देश और बाहर से 8 स्पीकर आएंगे और 150 भारत देश से बड़ी सोच के फाइनेंशियल एडवाइजर एक जगह पे जमा होंगे। और ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन का लर्निंग प्रोग्राम है। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है, 5-स्टार होटल में होने वाला है। और इस प्रोग्राम का थीम है कि कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को 10 गुना कर सकता है। तो 3 दिन जो है इसी टॉपिक के ऊपर अलग अलग स्पीकर अपने विचार देगा कि कैसे कर सकते हैं। तो ये नेशनल मेगा माइंड शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, आपके पास ओके दोबारा आऊंगा। अंबादास जी, सर, ये शो शो के बारे में मुझे एक बात पूछनी है कि ये शो कहाँ होने वाला है? अंबादास जी, ये शो जो है वो हैदराबाद ये रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में होने वाला है। वहां पे रामोजी फिल्म सिटी बहुत ही फेमस है, वहां पर होने वाला है। आपके पास दोबारा आऊंगा अगले क्वेश्चन के लिए। रमेश सिंह जी, या अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। सर, मेरा प्रश्न ये आता है कि हम जो है आपको 32,000 रुपये जो एक्सपेंसेस करेंगे, तो हमको लग रहा है पहली बार के किसी उसमें जाएंगे तो हमको इसके बदले क्या चीज़ मिलेगी? बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज तो चौहान जी, इसे आप एक्सपेंस मत बोलिए, इसे इन्वेस्टमेंट बोलिए। और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रकाश चंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं। एक्चुअली जो भी लर्निंग होता है उसमें हम उसको एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि हमारा अभी सोच क्या है, बड़ा होना चाहिए। उसका वजह से रंजीत सर अभी बोला है, एक वाइब्रेशन होना चाहिए। अपने एक मॉल में रहेंगे,
वो माहौल में हमको पहले अपने आप को समझने के लिए वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि वो जो लोग ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी वो भारत देश का बहुत अच्छे शानदार सक्सेसफुल लोग होगा, और जो आ रहा है ट्रेनिंग पे वो लोग भी अचीवर ही होगा, वो MDRT COT TOT जो किया है वो लोग ही होगा। वो लोग का साथ में एक मिलके एक 3 दिन स्टार होटल एनवायरमेंट में रहना है, खाना है, उसमें लर्निंग है, ये फन है, जो इंटरेक्शन है, फ्रेंडशिप फेलोशिप जो भी चलता है वो 3 दिन, वो माहौल के लिए हम ऐसे पैसे का हिसाब से तुल नहीं सकता है। जो हम वो 3 दिन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक धाम हम दे रहे हैं, उसका एग्जैक्टली पैसे से गिनने से ठीक नहीं होगा सर जी। अभी जो अगर मैं आपको अगर आप अपना मन बनाओ कि मुझे अपने बिजनेस को 10 गुना करना है, तो ये जो सोच है ये थोड़ी सी कच्ची पक्की सोच हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर जब आप जाएंगे तो आपसे भी बहुत कम उम्र के लोग आपसे 100 गुना बिजनेस कर रहे हैं आप देखेंगे, तो आपकी सोच थोड़ी और पक्की होगी। आपकी उम्र के लोग आपसे यू नो 200 गुना बिजनेस कर रहे हैं जब वहां पे देखेंगे, तो आपकी सोच और पक्की होगी यू जी नो। सर, और एक नहीं, जब आप ऐसे 150 लोगों को देखेंगे अपने बगल में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे स्पीकर आएंगे जो कि 3 दिन कुछ लोग वहां पे रहने भी वाले हैं, आप देखेंगे। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अशोक सरदाना जी जो कि दुबई से आ रहे हैं, वो हमारे इंटरनेशनल स्पीकर है। अब वो व्यक्ति दिल्ली में रहते थे, उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली से वो दुबई गए थे लेबर काम के लिए, और वहां पर वो लेबर का काम कर रहे थे, और किसी ने उनको इंश्योरेंस की एजेंसी दी, और इंश्योरेंस की एजेंसी देने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि आज दुबई में उनके अंडर में 250 लोग काम करते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति से मिलाया जो कि उनके साथ में काम करते हैं, और वो यूनाइटेड किंगडम के रेसिडेंट है, यानी कि ब्रिटिश आदमी उनके साथ में काम करता है, और उन्होंने बताया कि वो ब्रिटिश आदमी जो उनके अंडर में काम करता है उसके पास में जो गाड़ी है वो रॉयल्स रॉयस है, और उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो कि इंश्योरेंस एजेंट है और लेबर काम में दिल्ली से दुबई गया, तो इतनी जी कामयाबी हासिल कर ली उन्होंने, और करीबन आपकी उम्र का व्यक्ति है, तो सर, कैसे कर ली, उसमें इतनी क्षमता है। उसके बगल में जब खड़े रहेंगे तो उसकी एनर्जी आप लेके आएंगे, और वो एनर्जी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो ठीक है सर, ये मैंने आपको एक दिन का बताया है, ये तो एक व्यक्ति के बारे में बताया। दूसरे हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर है जो कि साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं, आज भी कई सारे लोग हैं जिनको MDRT के बारे में जानकारी नहीं है भारत देश में, जो साउथ अफ्रीका से व्यक्ति आने वाले हैं। साउथ अफ्रीका ये इंडिया से भी थोड़ा पुअर कंट्री है, लेकिन 1981 में उन्होंने MDRT कर ली थी, 1979 में उन्होंने एजेंसी ली थी इंश्योरेंस की, और 1981 में उन्होंने MDRT की थी, और उसके बाद फिर लगातार करते रहे। आज तो बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हैं वो, यू नो बड़ी बड़ी कंट्रीज में एज अ स्पीकर जाते हैं, अमेरिका में, फिलीपींस में, यूनाइटेड किंगडम में, बड़े बड़े देश में जाकर वो अपनी टॉक देते हैं। आपके पास दोबारा आ जाऊंगा रमेश जी। चलिए कल्याण जी आपको बुलाना चाहूंगा। कल्याण जी, ये शो का जो शेड्यूलिंग है वो कैसा रहेगा? अलग अलग तरीके से जो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे हम, कल्याण जी, ओके, हर एक्टिविटी का मकसद एक ही है कि कैसे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। मुद्दा एक ही होगा बात का, हर एक्टिविटी का वजह एक ही होगा। तो सुबह 7 से 8 बजे तक हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन कोई आम मेडिटेशन नहीं होगा, ये इस मेडिटेशन की मदद से कैसे आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, तो वो मेडिटेशन सिखाएंगे, यानी कि शुरुआत जो है माइंड की गहराई से करेंगे, मेडिटेशन से करेंगे कि मेडिटेशन के द्वारा कैसे आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। 7 से 8 बजे तक ये होगा। उसके बाद 9:30 बजे फिर हम मिलेंगे, 1.5 घंटे का ब्रेक होगा, ब्रेकफास्ट ब्रेक। 9:30 बजे से जो है एक एक स्पीकर आना चालू होगा, और एक दिन में 3 स्पीकर आएंगे, यानी कि ओके 9:30 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। 9:30 से 7 बजे के बीच में सिर्फ 3 स्पीकर आएंगे, और 3 स्पीकर, हर एक स्पीकर की स्पीच जो है 50-50 मिनट की होगी, लेकिन उनके बीच में कई सारी एक्टिविटीज होंगी, और वो सारी एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से होगी कि जो कुछ भी आपको सीखने मिला है वो आपके दिमाग में ना जाए, वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाए। जैसे कि गाड़ी चलाना
अगर आपको पूछेंगे कौन से पैर से गियर करते हो, कौन से पैर से ब्रेक, तो आपके दिमाग में नहीं है वो, लेकिन गाड़ी पे बैठोगे तो ऑटोमेटिक ही चलता है, यानी कि वो आपके शरीर का हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा नहीं है। उसी प्रकार से नेशनल मेगा माइंड शो में जो आपको ज्ञान मिलने वाला है वो आपके दिमाग का हिस्सा बनाना ये मकसद नहीं है, क्योंकि दिमाग जो है वो 1-2 घंटे के बाद में चीजों को बाहर फेंक देता है, कुछ नहीं है। शरीर में जो चीज रह गई वो जिंदगी भर रह जाती है। तो हम जो है इस प्रकार से नेशनल मेगा माइंड शो को चलाएंगे, एक दिन में 3 ही स्पीकर आएंगे, हर स्पीकर की स्पीच 50 मिनट की होगी, 9:30 से लेकर 7 बजे के बीच ये कार्यक्रम होगा, लेकिन बीच में जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी जिसके द्वारा इन चीजों को हम आपके शरीर का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो और 7 बजे के बाद में जो है वो हम ब्रेक देंगे, 8:30 बजे तक 1.5 घंटे का ब्रेक में हम डांस वांस का प्रोग्राम रखा है हमने, और 8:30 से लेकर 10 बजे तक डिनर का प्रोग्राम रहेगा, ये हर एक दिन का प्रोग्राम रहेगा। इस प्रकार से आपके पास दोबारा आऊंगा कल्याण जी। अंबादास जी आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप क्या मन में क्या प्रश्न है वो पूछिए आप। अंबादास जी सर, ये शो अपने शो में कौन कौन से स्पीकर आने वाले हैं और उनसे क्या क्या सीखने को मिलेगा, विषय कौन से है? पर्टिकुलर एक आदमी जो बोलता है उसमें हर एक चीज को हमको सीखने ही मिलता है। मतलब जो भी है, ये 3 दिन का प्रोग्राम में एक विषय अपना दिमाग में पड़ गया, अतः वो जो हमारा शरीर में चले गया, फिर उसी से बिजनेस आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो एक कॉन्फिडेंस इसको एक अपना मोटिवेशन मिलेगा ना, वही मोटिवेशन हमको जो साल भर उसको चलाता रहेगा, उसको हमारा वो स्पीडअप ज्यादा हो जाएगा। जो रंजीत जी बोल रहे हैं 10 गुना बिजनेस ज्यादा हो जाएगा, मतलब उस हिसाब से काम करने का तरीका एक बार हम सीखेंगे ना, वो अलग एनर्जी दे देता है। जो भी है, जो भी स्पीकर जो भी बोलता है उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो जो भी एक्सपीरियंस हम उसको कैसे अडेप्ट करता है उस हिसाब से अपना गाड़ी चलने का शुरू हो जाता है। वो ये XXX क्या है, वो क्या कितना के स्पीड में हम चलना चलाना चाहते हैं, उसी से अपना बिजनेस में ग्रोन होने के शुरू हो जाएगा, ये मेरा कहना है। बाकी आपका जो दूसरा प्रश्न था कि कौन कौन स्पीकर आने वाले हैं, तो मेरे पीछे आपको एक फोटो दिख रही होगी स्पीकर्स की, जिसमें से हाँ एक सर, एक स्पीकर जो है वो साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं, बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर भी हैं। एक स्पीकर दुबई से आने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि दिल्ली से एक लेबर के काम में गए थे, लेकिन आज 250 लोग दुबई में उनके अंडर में काम करते हैं। अल्पा शाह आने वाली है, जो कि मुंबई से है और बहुत ही बड़े लेवल पर म्यूचुअल फंड का काम करती है। इसके अलावा मिस्टर आशीष सोमैया आने वाले हैं, जो कि व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ है, यंगेस्ट सीईओ ऑफ आर म्यूचुअल फंड। इसके अलावा मिस्टर प्रशांत सावंत आने वाले हैं, शायद आप उनको जानते होंगे, बॉलीवुड अंदाज में वो ट्रेनिंग देते हैं, कैसे आप सुपर एचएनआई के सामने डेयरिंग से बैठ सकते हैं, इसके बारे में वो बात करेंगे। इसके अलावा राजेश संतोषकर आने वाले हैं, जो कि जिन्होंने हाल ही में 100 करोड़ की पॉलिसी क्लोज की है, सबसे ज्यादा टीओटी किया हुआ उन्होंने, मेरे ख्याल से कुछ 19 बार टीओटी किया है उन्होंने। इसके राइट। अलावा मिस्टर हरीश देसाई आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं एलआईसी के, बहुत बहुत उनका नाम है ट्रेनिंग के मामले में, बहुत ही कामयाब डेवलपमेंट ऑफिसर है। इसके अलावा मिस्टर भूपेश दवे को हमने इनवाइट किया है, जो कि नेशनल लेवल के बहुत बड़े माइंड रीडर हैं, मैजिशियन हैं, मेंटलिस्ट हैं, और वो कुछ अलग तरीके से, वो जादुई तरीके से, जादू कैसे होता है, कैसे हो जाता है, मतलब वो जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चीजें कैसे कर सकते हैं वो हमें करके बताएंगे। तो हर अलग अलग एरिया से हमने अलग अलग एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को, कामयाब व्यक्ति को हमने बुलाया है एज ए स्पीकर, लेकिन हर कोई अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने अंदाज से आपको यही बताने की कोशिश करेगा कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। डिस्कशन या रमेश जी पूछिए, अभी आपके मन में क्या प्रश्न आता है पूछिए। सर, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि सारे लोग वहाँ होंगे तो वहाँ क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और वहाँ किस तरह से जो है अपन मैनेज कर पाएंगे इतने लोगों को? रंजीत जी का प्रोग्राम है वो अलग तरीके से चल रहा है। लास्ट ईयर ये उसका सोच है, नहीं है तो वो काम है ना, ज्यादा लोग को नहीं ले रहा है, ये छोटे ही क्राउड में हो जाएगा। 150 पार्टिसिपेंट, दे आर वेल इंटरेस्टेड पीपल ओनली कमिंग देयर। वो लोग का सारी अरेंजमेंट 5-स्टार होटल में, एक इसका जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसमें आराम से बैठ सकता है 150 लोग। हर तरह से सुविधा होगा, खाना और सब कुछ उसी पास में, वो सबका लॉबी होगा, रहने के भी डबल ट्विन शेयरिंग का रूम होगा,
उस हिसाब से जो 150 लोग का जो भी भीड़ भाड़ नहीं होगा, वो हर एक व्यवस्था जो सुबह से रात तक जो शेड्यूल चलता है आराम से चलेगा, वो सीखने के भी बहुत चीज उसमें मिलेगा और एंजॉय भी कर सकता है। ये एक लर्निंग, वो ओनली लर्निंग नहीं है ये, हम एक को ये भी सोच सकते हैं एक टूर हो गया उसके साथ लर्निंग है। अब बीवी के साथ जाए तो वो ट्रिप भी हो गया उसके साथ लर्निंग भी हो गया, वो भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। लास्ट ईयर ये नेशनल मेगा माइंड शो लोनावाला में हुआ था। अच्छा एक होटल था, स्टार होटल था, उसमें ये 3 दिन कैसे बीता पता नहीं चला। उसके साथ में आने के टाइम बहुत सीखने के मिला, बहुत एक्सपोजर मिला, अच्छा दोस्त मिले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो बोलने से ज्यादा वो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग चीज हो जाता है। जी सर, सर ये चाहता हूँ जैसे अपनी ब्रांच से एक दो साथी और कोई को अपन मोटिवेट करें और वो हमारे साथी भी वहाँ जो है साथ चलने को तैयार हो जाए तो वो भी हो जाएगा। वो बहुत अच्छा है ना। एक्चुअली मैंने एक्चुअली रंजीत सर से बहुत साल से, बहुत समय से जोड़ा था। बाद में मेरा दोस्त जो है वो लोग ही 2-3 लोग तो पिछले साल मेरे साथ आया था, अभी उसका देख के और 2-3 लोग इस बार भी ज्वाइन हो गया। वो तो अच्छा है आपके लिए, आना जाना सुख रहेगा, वो हाँ एक हाँ अच्छा हाँ आइडिया है आपका, जरूर ठीक है वो कर सर। सकते हैं आप। चलिए कल्याण जी, आप भी अपना वीडियो चालू कर दीजिए। रमेश जी आप भी चालू रहने दीजिए अपना वीडियो, और अंबादास जी आप भी अपना वीडियो चालू कर दीजिए। एक कोई और प्रश्न लेना चाहूंगा, एक प्रश्न और लेना चाहूंगा। आपने जो बोला इसमें मैं मेगा माइंड शो में आएगा तो अपना 10 गुना बिजनेस ग्रो हो जाएगा, तो वो कैसा होगा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया तो क्लियर हो जाएगा मुझे भी। कोई भी बिजनेस करने के लिए हम लोग आज कर रहे हैं, जो भी आप, हमने MDRT किया है, दूसरों तो CM क्लब मेंबर है, लास्ट 10-15 साल 20 साल से जो भी है काम करते आया है, सक्सेसफुल एजेंट ही है। इधर चैलेंज क्या है, हम अच्छे तरह से नया कस्टमर को कैसे मीट कर सकते हैं, नहीं हो तो बड़ा बिजनेस HNI वो टारगेट कैसे कर सकते हैं, इस तरह से चीज है ना, एक आइडिया होता है। वो आइडिया हम समझ जाए एक बात है, उसको ऊपर काम करना दूसरी बात है। सिर्फ आइडिया समझने से बिजनेस दुगुना त्रिगुना और 10 गुना नहीं होगा, वो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कर जाते हैं वो ही करना पड़ेगा। आज के दिन में हम कैसे काम करते हैं वो भी, गलत हो सही है क्या है, हमको इस तरह से ट्रेनिंग में आइडिया मिल जाता है। ठीक है, वो जो लोग आदमी एक आ गया उसका एक्सपीरियंस बोलेगा, ट्रेनिंग लोग अभी हरीश देसाई बोला, राजेश सातोस्कर जी बोला, इस तरह से लोग का एक्सपीरियंस एक तरह से है। दूसरी बात पे अभी जो लोग है वो लोग भी जो ना सक्सेसफुल TOT करके आया है वो भी उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाता है हमारा कमी कहाँ है। उस हिसाब से वो हमारा कमी जो है उसको हम एड ऑन कर देगा, अपना बिजनेस अपने आप 10 गुना हो जाए। ओके कल्याण समझो जी एक जैसे चीज, कल्याण जी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बीइंग अ बिजनेसमैन हमें एक समझ होनी चाहिए, और वो समझ ये कि वो क्या चीजें हैं जो कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने का काम करती है। सो नंबर वन वो है बिजनेस का नॉलेज, नंबर 2 बिजनेस के आइडियाज, नंबर 3 बिजनेस के कॉन्सेप्ट, नंबर फोर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस एनर्जी में, किस एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि आपके अगल बगल में किस एनर्जी के लोग रहते हैं, आपके जो गुरु हैं या आप जिसको फॉलो करते हैं कि भाई मेरे को उसके जैसा बनना है, ये सारी ओके चीजें जो है वो डिसाइड करती हैं कि आप कितना ग्रो करें। तो ओके अब यहां पर आप आएंगे तो आपको बिजनेस नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, बिजनेस आइडियाज तो मिलेगा ही मिलेगा, यू नो बिजनेस कॉन्सेप्ट तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आप एक अलग एनर्जी में चले जाओगे। और ये एनर्जी कितनी शुद्ध है मुझे बताओ, कि कोई भी छोटी सोच का व्यक्ति क्या नेशनल मेगा माइंड शो तक पहुंच सकता है? पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि 32,000 रुपया फीस तो उसी के पास से निकलेगी जिसकी सोच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, क्योंकि ये 32,000 रुपया निकालने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी यानी जी बहुत बड़ी सोच चाहिए। ये छोटी सोच वाला आदमी निकाल ही नहीं सकता, ये बहुत मंथन करने के बाद में 150 लोग निकल रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कल्याण जी। और ओके ये मेहनत 1 महीने 2 महीने की नहीं है, ये 1 साल की मेहनत है, और इतना मंथन कर करके 150 लोग जो निकल रहे हैं, ये शुद्ध शुद्ध घी है, शुद्ध घी, इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। ये डेफिनेटली बहुत बड़ी सोच के लोग हैं, क्योंकि 32,000 रुपया छोटी सोच का व्यक्ति नहीं निकाल सकता है।
ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं आपको, तो ये सोच के लोगों के बीच में जब आप आएंगे तो ये एक अलग एनर्जी है, दिस इज अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। और ये एनर्जी जो है ना, ये बहुत काम की, ये एनर्जी की जरूरत है हमें। ओके चलिए ग्रेट, नेशनल मेगा माइंड शो, इसकी टिकट 32,000 रुपए है। अगर कोई 32,000 रुपए की टिकट बाय करता है तो नेशनल मेगा माइंड शो में जो नॉलेज मिलने वाला है वो तो मिलने ही वाला है। इसके साथ साथ हम 40,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग और यूट्यूब मास्टरी कोर्स का एक कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे आपको, 40,000 रुपए का, जिसके जिसके अंदर आप प्रोस्पेक्टिंग, आपको प्रोस्पेक्टिंग टूल मिलेगा जो प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिंग टूल है, जिसकी शुरुआत मई महीने से होगी, और आपकी आप नो अननोन लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं उस टूल की मदद से, जिसकी कीमत 20,000 रुपये है, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2 महीने का यूट्यूब मास्टर कोर्स मिलेगा, जिसमें हम यूट्यूब में आप किस प्रकार से काम करके अपना एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब में कर सकते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकते हैं, 2 महीने का कोर्स देंगे। और साथ में हम आपको 2 प्रोफेशनल वीडियो एडिट करके देंगे, जो जो कि आपकी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट करेगा। इस प्रकार से 40,000 रुपए का टूल हम आपको नेशनल मेगा माइंड शो अगर आप बुक करते हैं तो उसके अगेंस्ट में देंगे। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ये किस सब्जेक्ट में, कौन से लैंग्वेज में रहेगा वो प्रोग्राम? ये हिंदी हिंदी लैंग्वेज में, नेशनल मेगा माइंड शो जो है वो हिंदी लैंग्वेज में होगा। ग्रेट, सो नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में हमने आपको जो है वो डिटेल में जानकारी दी है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को बोलना चाहता हूं, अगर आपके मन में नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है जो आपको लगता है कि आपको जो है जानकारी नहीं मिली, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है, उस लिंक में जाकर आप डिटेल में जो है नेशनल मेगा माइंड शो की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक के अंदर हमने एक फॉर्म रखा है, उस फॉर्म को आप भर भी देना। उस फॉर्म को भरने का मतलब यह है कि आपका थोड़ा तो इंटरेस्ट है नेशनल मेगा माइंड शो में, हमारी तरफ से आपको फोन आ जाएगा और हमारी तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी मिलेगा, ताकि आप नेशनल मेगा माइंड शो तक पहुंचने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए। सो आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और हमारे सभी गेस्ट का, और स्पेशल थैंक्स टू आवर को एंकर मिस्टर प्रकाश चंद्र सेठी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।